नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो कहानी है, मोटिवेशनल कहानी, मैं डेली एक मोटिवेशनल कहानी से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा आपके शरीर में एनर्जी पैदा करती है। जो एक टर्म है एड्रेनलिन, जो कि हमारे दिमाग में से सीक्रेट होता है। जब भी हम किसी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते हैं या फिर ऐसी बात को सुनते हैं, तो हमारे शरीर में फिर से एक नई ऊर्जा आ जाती है। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। शायद कुछ टेक्निकल इशू था, कनेक्ट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है एक मेंढक की कहानी। मेंढक की कहानी बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज में यूज होती है, लेकिन ये एक अच्छी कहानी है, बहुत ही प्रेरणा वाली स्टोरी है। कि जो मेंढक होता है उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, जो सबसे इफ़िशियंट पॉइंट होता है मेंढक का, वो होता है जंप करना, कूदना। वो दलदल से भी कूद के बाहर आ सकता है, पानी से कूद के ज़मीन पे आ सकता है, ज़मीन से कूद कर पानी पे जा सकता है। इतनी अच्छी खूबी होने के बाद भी एक बार जब मेंढक पे एक्सपेरिमेंट किया गया, गर्म पानी में मेंढक को डाला गया और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया गया, और ऐसा टेम्परेचर आ गया जब 100 डिग्री आ गया, जब पानी बॉयल होने लगा और मेंढक उसमें जल के मर गया, मेंढक बाहर नहीं निकल पाया। तो ऐसा क्यों हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित है। जब दलदल से बाहर निकल सकता है मेंढक, तो गर्म पानी से, जब शुरू में पानी तो गर्म नहीं था, फिर मेंढक बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि मेंढक को शुरू में पानी अच्छा लग रहा था। जब पानी खौल रहा था तो मेंढक को बड़ा फील गुड हो रहा था कि कंफर्टेबल लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं हो पाया कि पानी इतना गर्म हो जाएगा कि वो जल जाएगा, उसकी सारी एनर्जी जल जाएगी और वो निकल नहीं पाएगा। और आखिर में होता भी यही है कि धीरे धीरे पानी इतना गर्म हो गया कि मेंढक जो था वो जल गया, और जलने के बाद जो उसके एनर्जी थी, जो उसकी विशेषता थी कूदने की, निकलने की, वो ख़त्म हो गई और मेंढक वहीं जल के समाप्त हो गया। तो हम ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सही टाइम पे जंप कर जाना चाहिए सिचुएशन से बाहर। अगर हम सही टाइम पे सिचुएशन से बाहर जंप नहीं करते हैं, तो होता यह है कि हम उसी में रह जाते हैं, उसी में जल जाते हैं, और जो चीज़ हमारे पास थी वो भी ख़त्म हो जाती है। वाह, कुछ लोग पहले से ही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा एक इसमें चैटिंग का इशू कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। वन का, ठीक है, सब लोग वन का ए बी सी डी सब लोग लिख रहे हैं। कुछ किसी को कोई सवाल है आज से क्लास के पहले, तो हम लोग क्लास लेंगे और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। रचना, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। हाँ रचना जी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मैं शुक्र मनाता हूँ कि मैंने फिर डिसाइड किया। मुझे लगा कि नहीं यार, ये जब मेरा उम्र ख़त्म हो चुका है, अब 35 हो चुका है, इसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं बचेगा, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। तो मैंने सोचा नहीं यार, एक बार अपना जीवन का पूरा एफर्ट दे के देखता हूँ, पूरा एफर्ट, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा कि नहीं, मैंने कोशिश नहीं किया। क्योंकि उसके पहले यही था कि मैंने दिल से कोशिश नहीं किया था, और वो कोशिश किया और हो गया मेरा। तब मुझे लगा कि मैंने क्यों इतना समय बर्बाद किया, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, वो सब कुछ बैलेंस करके चलता है, वो आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देगा। अगर आप सही में मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको वो चीज़ देगा। हाँ, डेली 15 क्वेश्चन बहुत होता है अमन जी। आप 15 क्वेश्चन मतलब महीने का 450 क्वेश्चन हो गया।
और पूरे साल का देखिएगा तो लगभग 5,000 क्वेश्चन हो जाता है, 4,500 से 5,000 क्वेश्चन हो जाता है, तो बहुत है 4,500। आप जो मंथली मैगजीन खरीदते हैं या ईयरली कंपाइलेशन खरीदते हैं उसमें कहाँ 4,500 होता है। ये हम लोग अभी जितने करंट अफेयर्स है वो कर रहे हैं, फिर हम लोग हर एक दो महीने पे जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकल के आएगा उस दो महीने का इनमें से, उस पर भी हम लोग एक क्लास लेंगे कि आपका जो करंट अफेयर का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। आप लोग इंश्योर रहिए कि करंट अफेयर्स से आपको चिंता नहीं करनी है। करंट अफेयर्स डेली 15 करंट अफेयर्स बहुत सफिशियंट है। अब डेली 50 करंट अफेयर कीजिएगा तो फिर तो साल के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पीडीएफ मेरे मैंने बताया था कल भी, जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं एक बार नोट कर लिए। मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है SDM राहुल सिन्हा करंट अफेयर्स, उस पर ये सारे PDF डालता हूँ मैं, और जो भी और करंट अफेयर्स की बातें होती है वो सब डालता हूँ। SDM राहुल सिन्हा करंट अफेयर्स टेलीग्राम पे, यूट्यूब टेलीग्राम का चैनल है, सॉरी। ठीक है, हाँ टेलीग्राम चैनल मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। SDM राहुल सिन्हा करंट अफेयर्स, मैं छोटे में लिख रहा हूँ लेकिन वो पूरा सब ठीक है। SDM राहुल सिन्हा करंट अफेयर्स, हाँ ये करंट अफेयर्स सबके लिए सफिशियंट है। मैंने ये बताया आपको UPSC BPSC अभी जो दरोगा का हो रहा है, BSSC ठीक है। आप देखिएगा जो क्वेश्चन है उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं तो 5-5 क्वेश्चन सभी टाइप के रहते हैं, क्योंकि अब देखिए BPSC का जो लेवल है धीरे धीरे UPSC की तरफ जा रहा है। जो BPSC के चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हम लोग UPSC का जो लेवल है उस तक जा रहे हैं, तो ये इसीलिए हम लोग करा रहे हैं कि आपको हर लेवल का करंट अफेयर्स आपसे हो जाए। क्योंकि अभी आपको दरोगा का एग्जाम होने वाला है, BSSC का एग्जाम, उसमें उतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लेकिन क्या पता कि थोड़ा टफ पूछ दें तो आपको उसमें, आप खोल के देखिए ग्रुप, उसमें करंट अफेयर्स डाला हुआ होगा। जो लोग लिख रहे हैं कि 3 चैनल आ रहा है, SDM राहुल सिन्हा करंट अफेयर्स के नाम से देखिए, या इस वीडियो की लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका डाला हुआ है, तो क्लास के बाद आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उस पर क्लिक करके उस चैनल पे जा सकते हैं। आप जो मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, देखिए मैगजीन क्यों आप लेना चाहते हैं, मैगजीन मैंने हमेशा बताया कि मंथली मैगजीन से कभी भी करंट अफेयर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग उतना रट सकें, इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स करते जाएंगे तो दिमाग में लेयर बनते जाएगा, और फिर जब मंथली वाले से पढ़ेंगे तब आपका वो पक्का से आपके दिमाग में, जब क्या होता है कि आपको लगता है हाँ ये जाना पहचाना चीज़ है, ये सब देखा देखा लगने से, करण जौहर करण अर्जुन जो सिनेमा आया था उसमें नहीं, जब वो लोग दोबारा गाँव जाते हैं तो ये सब देखा देखा से लग रहा है, सुना सुना से लग रहा है, वही वाली फीलिंग आपको भी आएगी जब आप दोबारा एक बार डेली वाले को देख लेते हैं फिर मंथली या ईयरली पढ़ते हैं तो वो चीज़ आता है। इसलिए डेली आप आधा घंटा समय निकाल के जो हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं उसको आप देखिएगा, वो सफिशियंट है आपके लिए। हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्रियंका जी, हाँ शिवानी जी आप इसको करिए, UPPCS के लिए भी सफिशियंट है ये। ठीक है चलिए, तो हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले, आशा पारेख, वहीदा रहमान और तब्बू, ठीक है, तो इसका जवाब होगा वहीदा रहमान। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये गोविंद फाल्के जी थे,
जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, इनकी कहानी भी अगर कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा। इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, इनका सपना था कि ये फिल्म बनाए, इसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने अपने वाइफ के जितने भी गहने थे सभी बेच दिए थे, उससे पैसा इकट्ठा करके इन्होंने फिल्म बनाई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, 1913 में इन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और एक मिसाल है कि कैसे आप उस टेक्नोलॉजी को, जब हॉलीवुड में से फिल्में बन रही थी, उस टेक्नोलॉजी को लाके इन्होंने बनाया। इनका नाम दादा साहब फाल्के नहीं था, गोविंद फाल्के नाम था, और इन्होंने अपने 19 साल के कैरियर में 95 फिल्में बनाई थी, ठीक है, 19 साल के कैरियर में 95 फिल्में बनाई थी, ठीक। अब हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में वहीदा रहमान जी को सब दिया गया है। 2020 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारेख को 2022 में दिया गया था, ठीक है। वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी थी, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। जो लोग बीएसएससी और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जरूर ले, लाइन देख ले। द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड वाज देविका रानी, ठीक है। वहीदा रहमान की प्रसिद्ध फिल्में हैं प्यासा, गाइड, खामोशी, कभी कभी, ठीक है। 2019 में यह अवार्ड रजनीकांत को दिया गया था। अब सोच लीजिए, रजनीकांत को अवार्ड दिया गया तब बहुत सारे वो मीम्स बन रहे थे कि अवार्ड रजनीकांत को नहीं दिया गया, रजनीकांत को अवार्ड देने से अवार्ड का नाम ऊंचा हो गया, इस टाइप से, ठीक। हाँ, ये पूरे इंडिया का करंट अफेयर्स है राठौर साहब, ये पूरे इंडिया करंट अफेयर्स है। जैसे कि ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये कोई बिहार और यूपी से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए आपके लिए भी ये सफिशियंट है, ठीक है। 25 सितंबर 2023 को किस पहली परिवहन विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये C-295 परिवहन विमान है। परिवहन विमान क्या होता है, जिससे कि सेना में सोल्जर्स को ले जाते हैं, सैनिकों को बैठा के ले जाते हैं, ठीक। जैसे बॉर्डर फिल्म में बैठ के जाते हैं लोग, देखा है आपने बॉर्डर फिल्म, उसमें सारे बैठ के ले जाते हैं, सारे हीरो बैठ के जाते हैं, वैसे ही वही वाला है ये C-295 मध्यम सामरिक परिवहन विमान 25 सितंबर 2023 को औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय एयरफोर्स के एयर बस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। C-295 विमान की भार जो क्षमता है वो 5 से 10 टन है और एक बार में 71 सैनिकों को ले जा सकती है, ठीक। ये कुछ फैक्चुअल्स हैं, क्वेश्चन नॉट विजिबल, सही में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, कुछ लोग और कमेंट करें तो इसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। जो लोग लाइव हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। दिख रहा है, चलिए, थैंक यू। हो सकता है आपके सिस्टम में कुछ वो रिफ्रेश रेट सही, मतलब वो इंटरनेट की स्पीड सही नहीं हो, ठीक है, थैंक यू। दिख रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं रीड आउट तो कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, ठीक है। इन विच स्पोर्ट इंडिया वॉन द फर्स्ट गोल्ड इन एशियन गेम्स 2023? नहीं, ये इसमें क्रिकेट में नहीं जीता है, कुश्ती में नहीं जीता है, बच गए दो, निशानेबाजी में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय एशियन गेम 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में पहला स्वर्ण पदक जीता है। इसे पुरुष टीम ने 1803.7 अंक हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम के निशानेबाज हैं रुद्रांच पटेल, दिव्यांश पवार और ऐश्वर्य प्रताप तोमर, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर, इस टीम ने मिलकर शूटिंग में जीता है, वेरी गुड।
इनमें से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही है और सही नहीं पे ध्यान दीजिएगा। हड़बड़ाहट में हम लोग क्या होता है कि सही और सही नहीं में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? तो ये सही नहीं पूछा गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 64वां टाइगर रिजर्व बन गया है तथा ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हम लोग पिछले एक दो दिन पहले भी डिस्कस किए हैं कि हिमाचल में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। तो पहला स्टेटमेंट यही हमारा गलत हो जाता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, हाँ ये सही है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी सही है। तो केवल कथन एक गलत है, ठीक है? चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केवल कथन एक गलत है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई, बहुत अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं, वेरी गुड, ये भी एक फैक्ट है जिसको आपको जानना चाहिए, ठीक। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिसने भारत में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का स्वागत किया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नहीं, बी नहीं, गलत है, अब्दुल्ला साहिद नहीं है, ये वोल्कर टुर्क है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वर्तमान में वोल्कर टर्क हैं। इन्होंने भारत में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। इस विधेयक में देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि मुख्यालय वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। रोशन जी, रोज 10 बजे से मैं लाइव आता हूँ और शुरू में कुछ मोटिवेशनल बातें करता हूँ, एग्जाम की स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग करंट अफेयर करते हैं। सर, इंग्लिश में भी पढ़िए प्लीज। अमन जी, नहीं विजुअल है तो मैं एक बार कैमरे की सेटिंग करवाता हूँ, ऐसे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द करंट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट इज वोल्कर टर्क। ही वॉज वेलकम द पासिंग ऑफ द वीमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया। दिस बिल हैज अ प्रोविजन टू रिजर्व 1/3 सीट्स फॉर वीमेन इन द कंट्रीज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये अभी रिसेंटली हुआ है, ये किया गया है दिल्ली में किया गया है, और इसका मेन कारण क्या होता है? यूथ को मोटिवेट करना, ठीक है, क्योंकि युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जब तक धीरे चलती है ठीक है, जब वायु तेज चलती है तो बड़े बड़े मीनारों को गिरा देती है, ठीक। तो युवा का उल्टा होता है वायु। तो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में किया गया। ये सवाल आ सकता है कि भारत मंडपम किस शहर में है, नई दिल्ली में है, क्योंकि अभी G20 का आयोजन के समय बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा में था ये भारत मंडपम, ठीक है। इसे पानी लग गया था, उस दिन बारिश हो गई थी इसलिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को भारत मंडपम में प्रस्तावित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में ऐसे लोगों को, खासकर विश्वविद्यालय के छात्रों और आगे की पढ़ाई करने के इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया था। इसका थीम है G20 यूनिवर्सिटीज कनेक्ट इनकरेज आवर यूथ पावर, ठीक। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा 69th में, ये हम लोग 70th को, मतलब ये डेली का कर रहे हैं, आज का आज नहीं आएगा, 69th में आएगा आपको एक महीना पहले तक का, तो 30 अगस्त तक का सवाल आपके उसमें आ जाएगा। लेकिन आप इसको देख लीजिए, ये अभी तो मत देखिए, 3 दिन बाद एग्जाम दे दे, फिर देखिएगा, मेंस में काम आएगा और इंटरव्यू में काम आएगा ये आपके, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में क्यूबा में G77 और चीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इनसे संबंधित कौन सा कथन सही है? 15 से 16 अगस्त को कुवैत में G77 और चीन का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, ये गलत है। क्यूबा में हुए G77, क्योंकि इसमें कुवैत में लिखा हुआ है और क्वेश्चन में ही क्यूबा है तो यहाँ से गलत हो जाता है। क्यूबा में हुए G77 और चीन शिखर सम्मेलन, जिसका केंद्रीय विषय विकास की वर्तमान चुनौतियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका है। नवाचार मतलब इनोवेशन होता है और विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे इसका मेन थीम था। और G77 का गठन 1964 में 77 देशों का समूह तब अस्तित्व में आया था जब इन देशों ने जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन यूनेक्टैड जो बोलता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में एक साथ हस्ताक्षर किया था। ठीक, तो इसका कथन 2 और 3 है, ये सही कथन है। कथन 2 और 3 सही है। 15 से 16 सितंबर 2023 को क्यूबा में G77 और चीन का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसका केंद्रीय विषय विकास वर्तमान चुनौतियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मतलब इनोवेशन है। ठीक है, और ये G77 में उस वक्त 77 देश थे, अब 134 देश शामिल हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है विश्व का। ठीक है, इसमें अफ्रीका के 13, एशिया के 13 और अमेरिका के 8, वेस्टर्न यूरोप के 7 और ईस्टर्न यूरोप के 6, टोटल 47 कंट्री इसके मेंबर होते हैं। 3 साल के लिए मेंबर होते हैं और 2 बार मेंबर बनने के बाद वो लगातार तीसरी बार नहीं बन सकते। 2019 में भारत 3 साल के लिए इसका मेंबर बना था। ठीक है, आज सर्वेश जी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन 25 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड भारत ड्रोन शक्ति 2023 एक एग्जीबिशन है, इसमें ड्रोन्स को डिस्प्ले किया गया है। ये पहली बार हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये गाजियाबाद के हिंडेन में है, आपको एयरबेस है वहीं पर किया गया है। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ड्रोन प्रदर्शनी शक्ति प्रदर्शन भारत ड्रोन 2023 का उद्घाटन 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन में किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें ड्रोन की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है कि ड्रोन बहुत सारे लोग जानते होंगे ड्रोन से सिर्फ फोटोग्राफी होता है, नहीं, ड्रोन डिफेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आज के डेट में बन गया है। कहीं भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो ड्रोन से इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ड्रोन से वहाँ बम गिराया जाता है, तो ड्रोन आज के डेट में हमारे डिफेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। एशिया खेलों में 13 वर्ष के बाद निम्न में से किस खेल की पुनः वापसी हुई है? कबड्डी, महिला क्रिकेट, रग्बी और शतरंज। इसमें शतरंज की इस बार वापसी हुई है, फिर से 13 वर्ष के बाद शतरंज की वापसी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एशियाई खेलों में 13 वर्ष के बाद शतरंज की वापसी हुई है। चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में महिला और पुरुषों वर्ग में शतरंज की रैपिड और स्टैंडर्ड मुकाबले शुरू होंगे। रैपिड मुकाबला एकल पदक और स्टैंडर्ड मुकाबला टीम चैंपियनशिप के लिए होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने पहले से पढ़ रखा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत कॉमन सवाल है, ये बाकी कुछ लोग से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग बताएंगे। डी डी नहीं, सद्भावना दिवस नहीं, अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस का के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब होता है अंत का भी उदय, मतलब जो लास्ट आदमी है हमारे सोसाइटी में, जो सबसे कमजोर आदमी है, वहां तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंच जाए, उसको अंत्योदय बोलते हैं। अगर वहां तक लाभ पहुंच जाता है तभी हमारा जो भी योजना है, जो भी मिशन है, उसको सफल माना जाएगा। तो उसी अंत्योदय दिवस के नाम पर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा कवर नहीं किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही कर्मठ आदमी थे, उनके एक फेमस है कि वो जा रहे थे, उन टाइम पे बहुत पंक्चुअल थे, 9 का मतलब 9 बजे एग्जैक्ट पहुंचना। कहीं जा रहे थे, उनके पैर में चोट लग गई थी, पैर से खून आ रहा था, लेकिन तब भी वो कैसे भी वहाँ पहुँचे, बोले कि नहीं मैं पहुँच जाऊँगा तब पट्टी करूँगा, क्योंकि मैं आज तक टाइम से लेट नहीं हुआ हूँ, तो आज टाइम पर कैसे लेट हो सकूँ। ठीक है, चलिए
देश में हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन बनी है? भारत बनी है हमारी। आजकल भारत बिल्कुल फॉर्म में है, टेस्ट वनडे और T20 सब में रैंक वन पे है, और उसके बाद छक्के लगाने में भी 3000 छक्के लगाने से पहले अभी देश बन गया भारत। ठीक है, भारत टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे वनडे में दूसरे मैच में बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए। भारत इस मैच में 18 छक्के लगाए थे और भारत वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेट टीम बन गया। बिहार का दूसरा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किस स्थान के बीच में किया गया था? ये बिहार इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए फिर मैं आंसर बताऊंगा। दूसरा पूछा गया, पहला था पटना से रांची या पटना से हावड़ा शुरू किया गया? बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं वो पहला था, अब ये पटना से हावड़ा शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पटना से हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। पटना से हावड़ा के बीच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। यह बिहार के दूसरा वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन लगभग 532 किलोमीटर की जो दूरी है वो 6 घंटे 55 मिनट में तय कर लेगी, और बिहार का पहले वंदे भारत ट्रेन पटना से रांची के बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स हो गए इसके बारे में, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आपको जीता है मार्को बेचेजी ने जीता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जान लीजिए आप लोग, याद कर लीजिए। बहुत सारे लोग लुइस हैमिल्टन और चार्ल्स लकरवेल ये सब पे टिक लगा रहे हैं क्योंकि नाम सुना हुआ था, लेकिन मार्को वैसे जी का भी नाम सुन लिए, नए उभरते हुए सितारे हैं ये। और ये कल हम लोग जो डिस्कस किया था कि ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ हुआ है, उस पर मार्को बेचे जी ने ये टूर्नामेंट जीता है। सितंबर 2023 में भारतीय प्रकाश स्तंभ जो लाइट हाउस जो लगे रहते हैं उसको हम लोग अब एक टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया है, भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव, इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है, लाइट हाउस जब भी है तो वो समुद्र के किनारे होगा, और ऐसी जगह किया गया जो टूरिस्ट का पूरा इंडिया का फेवरेट डेस्टिनेशन है, और वो है आपको गोवा में। पूरे इंडिया का जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है वो गोवा है, और ये वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया है। पर्यटन स्थलों के रूप में लाइट हाउस को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल का पहला संस्करण 23 से 25 सितंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर पर बने डॉक्यूमेंट्री फिल्म वृत्तचित्र शिनापत्रे पदम परे रविन्द्रनाथ जो रविन्द्रनाथ टैगोर पर बनी है दिखाया गया है? ठीक है, ये कहाँ पर दिखाया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस एक देश का आपको राष्ट्रीय गान लिखा है? ए तो सही है, इन्होंने राष्ट्रीय गान भारत का लिखा है और बांग्लादेश का लिखा है, अमार सोनार बंगला वहाँ का है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बहुत सारे लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में हमारे जो पॉलिटिशियंस भी वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं कभी कभी, तो राष्ट्रीय गीत भारत का क्या है? वाह, वंदे भारत नहीं है, वंदे मातरम है, और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, वंदे मातरम। तो ये हो गया, और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने रविन्द्रनाथ टैगोर पर बने डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिनापत्रा पदम परे रविन्द्रनाथ का प्रदर्शन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पत्र अपनी भतीजी इंदिरा देवी को लिखे थे, और ये 1889 से 1895 के बीच अपने प्रवास के दौरान जो बांग्लादेश थे वहाँ लिखे गए थे, और इन्होंने बांग्लादेश और भारत दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है,
ठीक, तो ये हमारा बैच जो चल रहा है उसके बारे में दो लाइन जान लीजिए। बीएसएससी इंटर लेवल और दरोगा का एक कंबाइंड बैच चल रहा है जिसमें कि दोनों का जो सिलेबस है वो कराया जाएगा। ये 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 90 दिन का बैच है। इसमें ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी जिसको बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इस क्लास की खासियत क्या है कि डेली एक क्लास के बाद आपको होमवर्क दिया जाता है जो कि अगले क्लास में डिस्कशन होता है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, वो आपका जैसे स्कूल वाला पैटर्न था उसी पैटर्न पर दोबारा इसको हम लोग ने स्टार्ट किया है और रिसेंटली 69th वाले बैच में किया गया है। तो जो लोग इससे जुड़े होंगे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें आपको डेली होमवर्क मिलता है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, डाउट सेशंस होते हैं। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग उसको कराते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सके। ठीक, चलिए। हाँ, मैं अभी पढ़ाता हूँ उसमें, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और भी जो सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ क्लासेस लेता हूँ जो मेरा स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए, एज ए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एक बस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सब सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो सकता हूँ। तो जो मेरा अच्छा सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाता हूँ, जो बाकी जो टीचर्स हैं उनका जो स्ट्रांगेस्ट सब्जेक्ट है वो लोग क्लास लेते हैं। देखिए, मैंने किस स्ट्रैटेजी से रोज़ पढ़ाई की थी, सर्वेश जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने सोचा था कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है और इसके पहले मैं जितनी बार असफल हुआ हूँ अब मैं उसी असफलता के मोहर के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। क्योंकि एक ड्रीम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में आना है और वो भी ड्रीम था कि मुझे SDM बनना है और भगवान का हमेशा साथ रहा कि उस साल वैकेंसी भी आई, मेरी तैयारी उतनी थी कि मैंने उसको निकाल भी लिया और सब कुछ टाइमली हुआ। तो वही मैं कहता हूँ कि वो एक लाइन है ना कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो यह होता है जीवन में, आपके अंदर उतनी इंटेंसिटी हो ना तो पूरी दुनिया आपके लिए झुक जाएगी। शुरू में आपका पेशेंस चेक करते हैं, जब भी आप कोई नया कदम उठाते हैं तो आपका पेशेंस चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप अडिग रहे थोड़े दिन के बाद, थोड़ा दिन बहुत टफ आएगा, आप नई तैयारी स्टार्ट कीजिए, आपको इतना टफ होगा, नया कुछ अगर जॉब कर रहे हैं नया कुछ काम दे दिया जाएगा और भी जगह इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे मैंने ये रात को स्टार्ट किया अभी कराना, तो इससे रिलेटेड भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी शुरू में जो कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैंने सोचा नहीं मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और कंटिन्यू करने से मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज हो गया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ। एक मेरे पास भी रहता है कि नहीं मैं करंट अफेयर तैयार करके आपके साथ डिस्कशन करूँ, आपके सवाल लूँ और जो भी मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो मैंने सीखा है पढ़ा है और जो सफल होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि नहीं यार ये इतना टफ नहीं था, बस थोड़ा सा अपने कम्फर्ट जोन से कदम बाहर निकालना था, तो वो चीज़ें जो मैंने सीखी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ, मेरा ऑनलाइन क्लासेस तो यूट्यूब पे ही चलता है और वो जो है ये जो क्लासेस की अगर मैं बात आप पूछ रहे हैं तो ये रुक्मणी पब्लिकेशन का ऐप है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज 70वीं वाले मैं क्लास लूंगा, अभी 69th वाले पे लगा हुआ हूँ, 70th वाले में अभी नॉर्मल ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद मैं क्लास लूंगा उसमें। और उसमें अभी हम लोग मेनली मेंस वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं शुरू में कि मेंस वाले में आपका एक माइंड फ्रेम बन जाए कि आपको कैसे मेंस का अप्रोच करना है, क्योंकि जैसे जैसे PT आएगा आप मेंस से दूर होते जाएंगे, इसलिए अभी समय हमारे पास तो मेंस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, SDM की पोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली आएगी, देखिए वो तो पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें हैं सरकार पे, लेकिन क्योंकि 69th में नहीं आई है तो 70th में 100% SDM की पोस्ट आएगी, 100% जो उम्मीद है। हाँ, लेकिन आप उस लायक अपनी तैयारी को तो ले जाइए, मालूम पड़ा SDM की पोस्ट आ गई और आपकी तैयारी उतनी नहीं थी, फिर आप जो अफसोस करेंगे तो वो अफसोस नहीं कीजिए, उस तैयारी को अपने उस लेवल पर रखिए आप और आप मेहनत कीजिए ना, अपने आप ऊपर वाला जुड़वा देगा SDM की पोस्ट को। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग को अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वही मेरी एनर्जी है, वही मेरा क्या कहते हैं रिचार्ज होने का तरीका है कि मैं फिर करंट अफेयर्स की तैयारी करूं और आपके साथ रात में आके डिस्कस करूं। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
देखिए अमन जी, मैंने अपने पढ़ाई के समय यही एक टारगेट बनाया था कि जो भी मेरा जॉब के बाद समय बचता है उसमें सिर्फ मैं 3 काम करूँगा, पढ़ूँगा, खाऊँगा और सोऊँगा। जब भूख लगेगी खा लूँगा, जब नींद आएगी सो जाऊँगा और बाकी सारा समय पढ़ूँगा। मैं मॉर्निंग जल्दी सुबह में नहीं उठ पाता हूँ, मेरे साथ अभी भी कंस्ट्रेंट है, मैं रात में बहुत लेट तक जगता हूँ तो सुबह नहीं उठ पाता हूँ, तो मैं कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ पाया। लेकिन मेरे साथ यही फंडा था कि मुझे रात को सुबह चार बजे तक पढ़ना है, तो मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। फिर सो गया, अलार्म लगा के सो गया, ऑफिस चला गया, ऑफिस आने के बाद फिर से आके नींद आ रही, फिर सो गया मैं। क्योंकि जब नींद आ रही है तो मुझे लगता है कि मैं अगर नींद को तोड़ूंगा अपने तो मैं उतनी इफिशियंसी से नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए सो जाइए, कितना सोइएगा, 24 घंटा तो आप नहीं सो सकते हैं। और जब दिमाग में आपके टारगेट रहेगा ना कि नहीं मुझे करना है, तो अपने आप आपका दिमाग आपको जगा देगा। हाँ, ये आपको BSSC में भी करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है सर्वेश जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक आपको आइडिया देता है, और जो लोग एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं ना, क्योंकि हर साल तो वही आदमी नहीं करेगा, तो वो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पैटर्न है इस एग्जाम का, उसी हिसाब से लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। देखिए अभी चंद्रांशु जी, आप नोट्स नहीं बनाइए, मैं इसका PDF शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में, वो PDF आप स्टोर करके अपने पास रख लीजिए। फिर जब 2 महीने हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन 2 महीने का जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे, वो आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। खुशबू जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले पटना में एक गेट टुगेदर किया था, बहुत सारे लोग आए थे, लगभग 1000+ लोग आए थे, और अच्छा लगा था सबसे मिलके। उसमें से अगर कोई आया हो तो कमेंट कीजिए। मैं सबसे एक एक करके सभी लोगों से, जितने लोग आए थे सबसे मैंने मिला और सबसे बात किया मैंने। थैंक यू सोनी जी, आप वीडियो देखती हैं मेरे, मैं बनाता भी इसलिए क्योंकि अगर कोई देखे नहीं तो फिर मुझे वो एनर्जी नहीं आएगी ना, तो इसलिए मैं मेहनत करता हूँ कि आप लोग देखिए और आप लोग अप्रिसिएट कीजिए। आप खुशबू जी मुझे अलग से मैसेज कीजिएगा, मैं इससे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू विकास जी, आप पटना आए थे मिलने, और हो सकता मैं आपसे मिला हूं, क्योंकि जितने भी लोग आए थे उस दिन 1200-1300 लोग जितने भी थे, मैं सबसे एक एक करके इंडिविजुअली मिला था मैं उस दिन। जी आर स्टडी में था सेमिनार में। चलिए थैंक यू, आप आए थे उस सेमिनार में। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट ही था ना अमन जी, एक स्टूडेंट था, मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई कर ली, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उतना टफ नहीं था। मैंने अपने जिंदगी के 10 साल यही सोच के खराब कर दिए कि यार ये एग्जाम मेरे बस का नहीं है, और मैंने उतना अपनी एनर्जी नहीं लगाई। आप एक बार ऑनेस्टली एनर्जी लगाइए, एग्जाम को आप जरूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत लेट हो चुका है, तो आज का सेशन अब क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे 10 बजे। ओके, चलिए, गुड नाइट। ठीक है, कल बात करते हैं अब हम लोग।